नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं बिच्छू का जहर सिर्फ दो मिनट में कैसे उतारें। दोस्तों, गांव हो या शहर, अक्सर कच्ची जगह या बरसात में घर में बिच्छू निकल आते हैं। अगर ये काट लें तो भयंकर पीड़ा होती है और इनके जहर चढ़ने का भी खतरा रहता है। ऐसे में रामबाण उपाय सिर्फ दो मिनट में ही जहर को उतार देगा और दर्द शांत कर देगा। आइए जानते हैं इस रामबाण उपचार के बारे में। सर्वप्रथम बिच्छू के काटने पर फिटकरी का प्रयोग करें। फिटकरी को किसी साफ किए हुए पत्थर पर थोड़ा सा पानी डालकर चंदन की तरह घिसें, फिर जहां पर बिच्छू ने काटा हो वहां इस फिटकरी का लेप लगाकर आग से थोड़ा सेकें। कैसा भी जहरीला बिच्छू का काटा क्यों ना हो, इस फिटकरी के प्रयोग से जहर सिर्फ दो मिनट में ही उतर जाता है। फिटकरी को चिमटी से पकड़कर थोड़ा गर्म कर लीजिए। जैसे ही फिटकरी पिघलने लगे तो फिटकरी को बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लगा दीजिए। फिटकरी तुरंत वहां चिपक जाएगी और पूरा जहर चूसकर अपने आप उतर जाएगी। इसके लिए दूसरा भी प्रयोग है, इमली का बीज। इमली के बीज को साफ पत्थर पर घिसें। घिसते घिसते अंदर का सफेद भाग निकल आएगा तो उसे भी बिच्छू के काटने के स्थान पर लगा दें तो यह चिपक जाएगा। जैसे ही नीचे गिरे तो दूसरा बीज घिसकर लगाइए। इस प्रकार से बिच्छू का जहर उतर जाएगा। तीसरा प्रयोग जानते हैं, माचिस का मसाला। दोस्तों, बिच्छू के डंक मारने पर माचिस की 5-6 तिल्लियों का मसाला उतारकर पानी में घिसकर बिच्छू के डंक लगे स्थान पर लगाने से तत्काल बिच्छू का जहर उतर जाता है। इसे मधुमक्खी के काटने पर भी लगाने से जहर फैलता नहीं और तुरंत आराम मिलता है। अगला प्रयोग दोस्तों, सेंधा नमक। बिच्छू के डंक मारे जाने पर अगर जहर का स्थान ना मिले तो ऐसे में यह उपाय बेहद लाभकारी है। सेंधा नमक 15 ग्राम और साफ पानी 75 ग्राम आपस में मिलाकर साफ शीशी में भरकर रख लें। बस दवा तैयार है। बिच्छू काटने पर आंखों में सुरमा लगाने वाली सलाई की सहायता से आंखों में एक बूंद डाल दीजिए। कुछ ही मिनट में जहर उतर जाएगा। यह प्रयोग अन्य प्रयोगों के साथ भी किया जा सकता है। दोस्तों, यह बताए हुए नुस्खे कभी विफल नहीं हुए हैं, ऐसा आयुर्वेदाचार्य का दावा है। इसलिए बिना विलंब किए इन नुस्खों को तुरंत आजमाएं। ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि उग्र विष वाले बिच्छू जिसकी धुन धरती पर घिसटती रहती है के काटने पर अगर किसी ऐसी जगह काटा हो जहां पट्टी बांध सके तो बांध दें। जैसे कि हाथ पैर या जांघ पर जहां काटा हो वहां से 4 उंगल ऊपर बांध देना चाहिए। उसके 4 उंगली ऊपर फिर से बांध दें। ऐसा करने से विष पूरे शरीर में नहीं फैलता है। यदि डंक काटे हुए स्थान पर रह गया हो तो किसी सेफ्टी पिन या चिमटी को आग की लौ में गर्म करने के बाद त्वचा में घुसे हुए डंक को उसकी सहायता से निकाल देना चाहिए और बिना समय नष्ट किए हुए बताई हुई बातों द्वारा उपचार कर लेना चाहिए। बारीक पिसा हुआ सेंधा नमक को प्याज के टुकड़े से उठाकर दंश स्थान पर मलें। इससे जहर और डंक दोनों दूर होगा। धन्यवाद दोस्तों। इसे जितना ज्यादा हो सके शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति तक यह पहुंचे और ऐसे ही आवश्यक स्वास्थ्यप्रद जानकारी के लिए हमारे चैनल स्वदेशी उपचार को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।